को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। फिल्म के लिए क्या सीखा था प्रभास ने, कौन करेगा फिल्म की एडिटिंग? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पिछले कई सालों से नॉर्थ की ऑडियंस को साउथ की फिल्में बहुत पसंद आने लगी हैं, और आए भी क्यों ना, साउथ के डायरेक्टर्स ने अपना स्टैंडर्ड जो इतना हाई कर लिया है, अब साउथ की ज्यादातर फिल्में साउथ के साथ साथ पूरे देश और दुनिया भर में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। बाहुबली फेम एक्टर प्रभास की बाहुबली के रिलीज होने के बाद से अब तक कई फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से उनकी कोई भी फिल्म बाहुबली जैसी, तो छोड़िए बाहुबली की तरह, इसका आधा भी कमाल नहीं कर सकती है। बाहुबली के दोनों पार्ट्स के रिलीज होने के बाद ऑडियंस प्रभास की अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इन फिल्मों से ऑडियंस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। साउथ के सुपरस्टार प्रभास को साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म साहो से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्म नहीं चली और प्रभास फिल्म की असफलता से काफी निराश हुए थे। बॉलीवुड की सुंदरी श्रद्धा कपूर प्रभास के ऑपोजिट काम कर रही थी। पहली बार श्रद्धा और प्रभास ने किसी भी फिल्म के साथ काम किया था। इन दोनों के साथ ही नील, नितिन, मुकेश, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ और अरुण विजय जैसे उम्दा कलाकार भी फिल्म का हिस्सा थे। जैसा कि हमने बताया, ये फिल्म प्रभास के लिए बेहद खास थी क्योंकि बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी, इसीलिए उन्होंने इस पर दिल खोलकर मेहनत भी की थी। उन्होंने स्पेशली ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए और ओरिजिनल कंटेंट देने के लिए हिंदी भाषा भी सीखी थी। प्रभास ने हिंदी भाषा की क्लासेस करीब 1 महीने तक ली थी, जिससे कि वो अपने डायलॉग्स खुद बोल पाएं और अच्छे से बोल पाएं। एक इंटरव्यू के दौरान प्रभास ने बताया था कि उन्हें हिंदी लिखना आता है और हिंदी पढ़ना आता है, लेकिन उन्हें हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, और वो इसीलिए क्योंकि उनकी मदर टंग तमिल है और उनके घर पर सभी तमिल में ही बात करते हैं, तो इस वजह से उनको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अब उन्होंने हिंदी भी अच्छी से सीख ली है और अब वो साहो 2 में ऑडियंस को अपनी फ्लुएंट हिंदी और डायलॉग्स से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल मेकर्स स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही वो शूटिंग के लिए शेड्यूल फाइनल करके शूटिंग शुरू कर सकते हैं। शूटिंग पूरी होने के बाद भी ऑडियंस को फिल्म देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि शूटिंग में सभी सीन्स की फोटेज रॉ होती है, उन्हें प्रॉपर से एडिट करके फिल्म बनाने में काफी समय लगता है। साहो सीरीज की पहली फिल्म की तरह इस बार भी एडिटिंग काफी खास होने वाली है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड फिल्म एडिटर ए श्रीकर प्रसाद फिल्म की एडिटिंग का काम संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने इससे पहले भी ओकाडू, तलवार, साहो और ट्रिपल आर जैसी बेहतरीन फिल्मों की एडिटिंग की है। सुजीत के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म साल 2024 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिल्मी दुनिया के सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो से। यहाँ हम आपको देंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितनी और कौन सी भाषाएं आती हैं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।